हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। हाँ सर, आप बताइए। मैं एकदम अच्छा बेटा, बस मजे ही मजे हैं जिंदगी के अंदर। आप सुनाइए सर, हमारे तो और भी मजे हैं। चलिए बेटा, होना चाहिए, एंजॉयमेंट होना चाहिए लाइफ के अंदर। हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे बेटा, डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। अभी उससे आगे की प्रोसेस, आगे का जो अकाउंटिंग मैं आपको समझाऊं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बताना है मुझे आपको, तो वो हम बात करते हैं बेटा। जब हम लोग कुछ भी बात करते हैं तो कोई ना कोई लैंग्वेज का मीडियम होता है। अभी मैं आपको हिंदी में अपनी बातें समझा रहा हूं, मैं आपको इंग्लिश में अपनी बातें समझाता हूं, या फिर कहीं और जो दूसरे लोग हैं वो कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ बंगाली बोलते हैं, कोई तमिल भाषा बोली जाती है, यानी कि कहीं ना कोई लैंग्वेज बोल करके जो है बातें समझाई जाती है। सर, लैंग्वेज का होना तो बहुत जरूरी है। हाँ बच्चे, हाँ, लैंग्वेज के थ्रू ही जो बातें हैं वो एक दूसरे तक समझाया जाता है, अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाया जाता है। तो बेटा, अकाउंटिंग के अंदर भी आगे की जो प्रोसेस है, जो आगे के टेक्निकल चैप्टर्स हैं, वो आगे के लेवल की बातें, वो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊं, वो मैं आपको समझाऊं, उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझा दूंगा। उससे पहले मैं आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज बताता हूं। सर, अकाउंटिंग की भी लैंग्वेज होती है? हाँ बच्चे, हाँ, अकाउंटिंग की भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, बात करते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर भी एक लैंग्वेज चलती है और उस लैंग्वेज के अंदर बात होती है। तो बेटा, अगर मैं आपको वो लैंग्वेज सबसे पहले समझा दूं, वो लैंग्वेज अगर मैं आपके दिमाग में घुसा दूं, तो आपको आगे की अकाउंटिंग समझने में बहुत आसानी होने वाली है। और फिर जब आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको ऐसे नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं बोलूंगा, ऐसी सीधी बातें नहीं करूंगा, मैं आपको अकाउंटिंग के अंदर ही बात करूंगा। अकाउंटिंग में ही आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसी में आपको बोलूंगा कि डेबिट करो, क्रेडिट करो, ये नहीं बोलूंगा कि क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, सारी बातें किसमें करूंगा? अकाउंटिंग की लैंग्वेज के अंदर करूंगा। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज अगर आपको समझ आ गई तो आगे का काम बहुत आसान होने वाला है। सर, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या होती है? बेटा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज का नाम है जर्नल एंट्रीज। क्या नाम है? जर्नल एंट्रीज। अकाउंटिंग के अंदर कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, कुछ भी लेन देन है, वो बोलने का तरीका क्या है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्रीज के थ्रू ही बोला जाता है। जैसे हम लोग अपना सेंटेंस बोलते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर, वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर जो सेंटेंस है, जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, वो बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। किसके थ्रू? जर्नल एंट्रीज के थ्रू। तो जर्नल एंट्रीज एक तरह से अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। आगे हम जो भी बातें करेंगे वो सारी हम इस लैंग्वेज के थ्रू बातें करने वाले हैं। तो वो हमारी अकाउंटिंग सीखने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी जाने वाली है, पूरी एक लंबी जर्नी है। तो वो जर्नी के अंदर अगर आपको मेरी लैंग्वेज नहीं आती है, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जर्नी के अंदर मजा आएगा क्या? अगर आपको किसी एक ऐसे आदमी के साथ जर्नी के लिए भेज दिया जाए, आपको हिंदी आती है लेकिन उसको हिंदी नहीं आती, उसको मान लो जैपनीज आती है, आपको जैपनीज नहीं आती है, फिर बताना कितना मजा आएगा? हाँ सर, कहेगा मजा आएगा सर, समझ ही नहीं पाएंगे वो कुछ, जो जो वो करेगा मैं कुछ और ही बोलूंगा, दोनों बैठे रहेंगे। तो बेटा, वही चीज यहां होने वाली है। अगर आपको मैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं समझाऊं तो फिर मैं कुछ और ही बोलता रहूंगा, फिर वो आपको वो सब ऊपर से जाएगा, फिर वो साइंस लगेगी आपको, H2O C2O पता नहीं क्या क्या साइंस के अंदर होता है, वो वैसा हो जाएगा आपके लिए सीन। तो बेटा, ऐसा सीन नहीं हो, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझा दूं। आपको लैंग्वेज समझ आ गई, उसके बाद में आगे मैं जो भी बातें बोलूंगा वो आपको समझ आएगी, आप वापस मुझे रिप्लाई करोगे, रेस्पॉन्ड करोगे, वो मुझे समझ आएगा। तो यानी कि कुल मिला के सबसे पहले आपको क्या समझाना चाहिए? अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझाना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन वगैरह को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, किस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कैसे करते हैं, तो वही डेबिट क्रेडिट ही
जो लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी के पार्ट है वो मैंने। अच्छा कुछ बातें क्लियर कर देते हैं बेटा। लैंग्वेज सीखने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सर लैंग्वेज सीखना बड़ा टफ काम है। लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले तो सर उसकी वोकेबलरी याद करो, फिर वोकेबलरी से फिर सेंटेंस बनाना, उसके रूल्स सीखते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे सेंटेंस, फिर बड़े सेंटेंस, उसके बाद कई वर्ड्स का प्रोनंसिएशन अपने को समझना पड़ता है, फिर सर ग्रामेटिकल रूल्स, फिर उसकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस छोटे सेंटेंस बड़े सेंटेंस लिख करके प्रैक्टिस करो, याद करो, फिर बोल करके प्रैक्टिस करो, हर तरह से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके लैंग्वेज आपको समझ आती है। यानी कि लैंग्वेज समझना कोई एक दिन का काम नहीं है। तो बेटा अकाउंटिंग की लैंग्वेज उतनी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीकों से मैंने इसको पूरा प्लानिंग बना रखा है कैसे मैं अपने बच्चों को समझाता हूं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। बट आप ये मान के चलिए कि लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं सोचे कि सर एक क्लास के अंदर हमारे को पूरी लैंग्वेज सिखा देंगे, पूरा अकाउंटिंग में महारत हो जाएगी। बेटा ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कोई जादू नहीं है मेरे पास। मैं आपको लैंग्वेज में महारत जरूर करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे से मैं आपको सारे रूल्स आपके दिमाग में डाल दूंगा, एकदम अच्छे से मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ सर हम तैयार हैं। तो बेटा ऐसा ही सपोर्ट चाहिए आपको, कम से कम 7 दिन तक पूरा प्रैक्टिस करना है आपको, उठते सोते खाते पीते कुछ भी काम करते टाइम आपको बस अकाउंटिंग की लैंग्वेज जर्नल एंट्रीज माइंड में चलनी चाहिए। कुछ भी आ रहा है कुछ भी जा रहा है, फाइनेंशियल है नहीं है, कोई भी आपको दिख रहा है काम होते हुए उसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में सोचना है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कौन रिसीवर है कौन गिवर है, डेबिट क्रेडिट माइंड में चलना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। 7 दिन तक अकाउंटिंग को ही जिएंगे, अकाउंटिंग के ही मरेंगे, तब जाकर के आपको अकाउंटिंग अच्छे से समझ आने वाली है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ सर हाँ, हम जीने मरने की कसम खाते हैं। हाँ बेटा फिर ठीक है, फिर बहुत मजा आने वाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जो आपने कसम खाई है। अब मैं भी कसम खाता हूँ बेटा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि अकाउंटिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो बेटा अब 7 दिन यहां से टाइम देना है, मैं आपको काम दूंगा, वो आपको काम रेगुलर करना है, और मैं अगर नहीं भी दूं तो भी आपको सोचते रहना है। क्या सोचते रहना है? अकाउंटिंग की लैंग्वेज के बारे में सोचता रहना है, ट्रांजेक्शन कैसे लिखने हैं वो सोचते रहना है माइंड के अंदर, माइंड में दिन भर अकाउंटिंग चलना चाहिए। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं अपने। तो ये हुआ अकाउंटिंग लैंग्वेज का काम। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज के अंदर आज की क्लास में मैं अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज है जर्नल एंट्रीज, उस जर्नल एंट्रीज की क्या एडवांटेज है, क्या उसकी टर्मिनोलॉजी है, बहुत छोटी सी टर्मिनोलॉजी है, कुछ एक वर्ड्स है जो मैं आपको आज ही बता दूंगा, उसके बाद में कैसे इसको रीड किया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, वो सारी बातें भी मैं जर्नल की आपको आज बताता हूं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। मैं अपनी तरफ से जर्नल एंट्रीज आज ही आपको सारे रूल्स बता दूंगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, कई तरह के और ट्रांजेक्शन आते जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस में हमें टाइम लगने वाला है। तो बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहिए, 7 दिन के अंदर हम इस लैंग्वेज को समझने वाले हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज आपको समझ आ गई तो आगे की प्रोसेस आपके लिए बहुत आसान रहने वाली है। अभी कई लोग आपको बोलेंगे कि ये टर्म्स नहीं पढ़ी, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो बेटा कोई बात अपने को सुननी नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे। जो हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं वो अकाउंटिंग का एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और ये करने के बाद में जो कुछ थियोरिटिकल पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो हमें ज्यादा इजी रहेगा। अगर हम अभी थियोरिटिकल एस्पेक्ट खाली पढ़ते रहेंगे, खाली थियोरी थियोरी पढ़ते रहेंगे, तो आपको प्रैक्टिकली नहीं समझ में आने वाला है, वो वैसे ही हो जाएगा। जैसे मान लो आपको अगर बोला जाए कि बेटा ये आपको साइकिल है और साइकिल चलाना आपको सीखना है, तो आपको मैं 200 पेज की बुकलेट दे दूं कि ये साइकिल चलाने के रूल्स हैं, कैसे साइकिल चलाया जाता है, कैसे उसको ब्रेक लगाया जाता है, क्या क्या रूल्स है, वो अच्छे से पढ़ते रहो, वो प्रैक्टिस करते रहो, लर्न करते रहो उनको रूल्स को, और उसके बाद में आपको 15 दिन बाद रूल्स पूरे याद हो जाएंगे, उसके बाद में आपको बोलूं चलो बेटा आप एकदम परफेक्ट हो, क्या आप साइकिल चला पाएंगे? बेटा आप साइकिल में बैठते ही आप गिर जाओगे धड़ाम से,
क्योंकि आपने प्रैक्टिकल कुछ किया ही नहीं, आपने खाली थ्योरी रट्टा मारा है। आपको वो थ्योरी रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी। अगर आप 3 दिन साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करते, ठीक है 2 बार गिर जाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 3 दिन चलाने के बाद में आपको वो रूल्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो रूल्स आपको ऑटोमेटिकली ही प्रैक्टिकल करने से ऑटोमेटिकली समझ आ जाते, ऑटोमेटिकली आपको सारी जो पॉइंट्स हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो अपने आप ही समझ आ जाता। तो सेम वैसा ही हम करने वाले हैं। हालांकि हमारे जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, कुछ एक बेसिक पॉइंट्स थे, कैपिटल ड्राइंग क्या होता है, पर्सनल रियल नॉमिनल क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, वो सारी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझाई। पीछे के वीडियो लेक्चर्स जिसने अभी तक नहीं देखे हैं, वो बेटा वो वीडियो लेक्चर्स जरूर फिनिश करें, फिर ही ये वीडियो लेक्चर देखें। और उसके अलावा भी कोई अगर बीच में टर्मिनोलॉजी आएगी तो वो मैं धीरे धीरे आपको अभी सिखाता रहूंगा, बट हम पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे कंटिन्यूअस में। अभी हम थोड़ा सा अभी प्रैक्टिकल करेंगे, हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज समझेंगे, फिर बीच बीच में साथ में थ्योरी भी करते रहेंगे। तो चलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास में जर्नल एंट्रीज हम स्टार्ट करते हैं। तो आर यू रेडी? ऑल आर रेडी? यस सर। ओके बेटा चलिए। तो बिजनेस के लेन देन जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। जिस अकाउंट की बुक के अंदर सबसे पहले ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनको हम एक बुक में लिख लेते हैं, उस बुक का नाम है जर्नल। चलिए, जर्नल का एक आम मीनिंग भी होता है जो हम देख लेते हैं, क्या है? ए रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट यू हैव डन ईच डे। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो आपने डेली दिन भर के अंदर, डेली के रूटीन के अंदर जो काम किया है, उसको बोलते हैं जर्नल। लेकिन ये जर्नल का डेफिनेशन एक आम भाषा में है, अगर इसी को मैं अकाउंटिंग में कन्वर्ट करूं तो अपने बोल सकते हैं, ए जर्नल इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है, उनको जिस बुक में लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल का एक और नाम यहां पे, क्योंकि ये रेगुलर लिखा जाता है, डेली रूटीन में लिखा जाता है, इसलिए इसका एक और नाम है डे बुक। जर्नल को डे बुक भी बोला जा सकता है बच्चे। तो जर्नल सर, एक ये नया वर्ड आ गया सर, ये क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है बेटा डेट वाइज। ट्रांजेक्शन जिस डेट में, जिस सीक्वेंस में अकर हो रहे हैं, उस सीक्वेंस में अगर उनको लिखा जाता है तो उनको बोलता है क्रोनोलॉजिकल। सर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 100-200 ट्रांजेक्शन डेली के हो रहे हैं, तो आप क्या सारे ट्रांजेक्शन रात को बैठ के एक साथ लिख सकते हो क्या? आपको याद रहेंगे क्या पूरे दिन के अंदर कितने कितने ट्रांजेक्शन हुए, किस किस अमाउंट के हुए, किस किस के साथ हुए? नहीं सर, नहीं, कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए बच्चा जो ट्रांजेक्शन जब हुआ, जैसे ही हुआ, उसी टाइम हाथों हाथ बुक के अंदर लिख दिया जाता है। और इसीलिए जिस अक्रेंस, जिस सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन अकर हुए हैं, उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, डेट वाइज लिखा जाता है, टाइम वाइज लिखा जाता है, इसलिए उसको बुक बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड बोलते हैं। ये डेफिनेशन दे रखी है एमजे किलर ने, ठीक है। उसके बाद में जर्नल के क्या फीचर्स हैं, जर्नल की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता तो आपको क्लियर हो गई कि जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहां से सोर्स हुआ, जहां ट्रांजेक्शन हुआ। सोर्स क्या होता है आपका? सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? जहां ट्रांजेक्शन हुआ, परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ तो परचेस का बिल, सेल का बिल, कोई एग्रीमेंट, कोई डीड, चेक की कॉपी, क्लियर है? तो ये कुछ ना कुछ रिसिट, ये जो आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हीं के बेस पे डायरेक्ट जिस बुक के अंदर एंट्री की जाती है उसको बोलते हैं जर्नल। तो क्या है जर्नल के फीचर्स? डे टू डे ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए जर्नल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला फीचर है कि जर्नल के अंदर डे टू डे, डेली बेसिस पे एंट्रीज होती है और ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है डेट वाइज ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद है, इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इसको बोलते हैं बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, प्राइमरी बुक, बिकॉज ए ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। कोई भी अगर बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो उसको सबसे पहले लिखा जाएगा जर्नल के अंदर। इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, दैट इज डेबिट एंड
क्रेडिट यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम, और जर्नल के अंदर जितना भी काम होगा वो सारा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे होगा, डेबिट एंड क्रेडिट होगा। जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शंस लिखने का जो स्टाइल है, जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, जो लिखने का जो तरीका है, लिखने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग बोला जाता है। एंड द फॉर्म इन विच इट इज रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल एंट्री। और जो वो रिकॉर्डिंग करके एंट्री लिखी जाती है, उस एंट्री को बोला जाता है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का मतलब हो गया कि, या जर्नल का मतलब हो गया एक तरह की डे बुक। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का, कुछ भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन होते ही हम उसको मेमोराइज नहीं कर सकते, इसलिए हम सबसे पहले एक बुक में लिख देते हैं, और उस बुक का नाम क्या है? जर्नल। क्लियर हुआ? तो जर्नल के अंदर क्या लिखी जाएगी? जर्नल एंट्रीज लिखी जाएगी। और जर्नल एंट्री जो होती है वही अकाउंटिंग की लैंग्वेज होती है, वही लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए, वही लैंग्वेज हमारे बहुत काम आने वाली है। तो चलिए, जर्नल एंट्रीज तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जर्नल के अंदर एंट्रीज कैसे लिखा जाता है, रिकॉर्डिंग का क्या तरीका होता है, फॉर्मेट क्या होता है। तो जर्नल का फॉर्मेट समझते हैं। चलिए फॉर्मेट बता देते हैं आपको जर्नल का। चलिए फॉर्मेट बताते हैं जर्नल का आपको। ये देखना बेटा, जर्नल का जो फॉर्मेट है एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है। जो जर्नल का फर्स्ट कॉलम होता है उसमें लिखा जाएगा बेटा डेट। फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा डेट, किस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद में चार कॉलम और होते हैं, यानी टोटल मिला के जर्नल के अंदर कॉलम्स होते हैं पांच। तो ये बेटा जर्नल का फॉर्मेट है। अभी ये क्या क्या कॉलम्स होते हैं वो मैं सारे आपको फटाफट से समझाता हूं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है LF, चौथा कॉलम बेटा होगा अमाउंट। अमाउंट में डेबिट, शॉर्ट में लिखा है मैंने DR डॉट डेबिट, CR डॉट क्रेडिट, ये कॉलम भी अमाउंट के लिए। यहां पे बच्चा रुपीज का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी एंट्री, हम अपनी अकाउंटिंग किसमें करने वाले हैं? रुपीज के अंदर करने वाले। तो यानी कि जर्नल के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं? सबसे पहले तो जर्नल के अंदर 5 कॉलम्स, कॉलम्स है पांच। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट। अच्छा, अभी सर डेट कैसे लगाते हैं इसके अंदर? तो सबसे पहले बेटा डेट लिखी जाती है, जैसे मान लो 2020 और अप्रैल 20, तो ये इस तरह से डेट लिखी जाती है, ईयर यहां पे लिख दिया। उसके बाद में बार बार जब ट्रांजेक्शन होंगे तो आपको बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अप्रैल 20, अप्रैल 25, फिर मई 5, मई 10, इस तरह से डेट्स लिख सकते हैं। उसके बाद सर ये पर्टिकुलर्स के कॉलम में क्या लिखा जाता है? बेटा पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही एंट्री लिखी जाती है। जैसे एक एंट्री एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, तो एंट्री है कि राम को हमने 10,000 रुपए दिए, तो राम पर्सनल है, रिसीवर है, इसलिए राम को क्या करो? डेबिट। और कैश जा रहा है, इसलिए कैश को क्या करो? रियल है, क्रेडिट। और गोज आउट, तो कैश को करो क्रेडिट। तो यानी कि एक एंट्री मैंने ली है जिसके अंदर राम को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्रेडिट तो आपको पता है, लेकिन इसको डेबिट क्रेडिट को हम लिखेंगे कैसे बुक्स के अंदर वो देखते हैं। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है, सबसे पहले डेबिट वाले अकाउंट को यहां एकदम मार्जिन के पास से लिखा जाता है राम्स अकाउंट, यहां लगाया जाएगा डेबिट। बहुत ध्यान से देखना बेटा। सर ये राम को पहले क्यों लिखा है? बेटा मैंने कहा जिस अकाउंट को डेबिट करना है उस अकाउंट को हमेशा पहले लिखा जाएगा फर्स्ट, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखा जाएगा। अगर कभी कैश को डेबिट करना होगा तो कैश पहले लिखा जाएगा, यानी कि डेबिट जिसको करना है उसको पहले लिखना है। तो राम्स अकाउंट पहले लिखा मैंने, उसके बाद में जिस अकाउंट को क्रेडिट करना है
उसको लिखने से पहले थोड़ा स्पेस, कुछ जगह छोड़ी जाएगी, फिर लगाएंगे टू, फिर क्या लगाएंगे टू, क्रेडिट का ये एक तरह का डिफरेंशिएशन मार्क है, टू लगने का मतलब ये अकाउंट क्रेडिट करना है, टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट, सर अमाउंट अमाउंट बेटा कुछ एज्यूम कर लो, मैं 5000 एज्यूम कर रहा हूं अभी, 5000, फिर क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, क्लियर हुआ? तो एक बार वापस से देखेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको क्लियर होगी। तो जिस अकाउंट को डेबिट करना है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, एकदम लाइन के पास से लिखा जाएगा, पर्टिकुलर्स में आगे लगेगा डेबिट, उसके बाद में जो अकाउंट क्रेडिट करना है उसको स्पेस छोड़ करके लिखा जाएगा टू के साथ में, टू कैश अकाउंट। ये बेटा ये मैं आपको बता दूं कि ये टू लगाने का जो सिस्टम है वो काफी कंट्रीज में नहीं है, एंट्री बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में अगर आप कोई एंट्री देखते हो, नेट पे सर्च करते हो, यूएस की बैलेंस शीट देखते हो, न्यूजीलैंड की बैलेंस शीट देखते हो, तो यही एंट्री आपको इस तरह से लिखी हुई होगी। वहां पे अगर मार्जिन छोड़ के लिखा हुआ है, ये मार्जिन पे लिखा हुआ है तो क्रेडिट माना जाएगा, ये मार्जिन पे लिखा हुआ है तो डेबिट माना जाएगा, टू लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है? लेकिन अपने इंडिया के अंदर अभी टू लगता है, तो हम लोग टू लगा के लिखेंगे। सर ये टू क्यों लगाते हैं? बेटा ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है। सर क्रेडिट पहले क्यों नहीं लिखते? ये भी बेटा प्रेजेंटेशन का, डेबिट ऊपर लिखना है, क्रेडिट नीचे लिखना है, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये बना बनाया सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, और ये जो सिस्टम है वो यूनिवर्सल है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हमें यही सिस्टम समझना पड़ेगा, बस क्या करना है। तो हमें पता है कि सर डेबिट लिखना है सबसे ऊपर, तो हमने लिख दिया। उसके बाद सर ये कॉलम आपने नहीं समझाया, हाँ बेटा इसी पे आ रहा हूं मैं, ये कॉलम का नाम है लेजर फोलियो। तो ये बेटा आपको अभी समझ नहीं आएगा, खाली शॉर्ट में बता देता हूं, अभी फिलहाल इसको खाली छोड़ेंगे, कुछ यूज नहीं आना है इसमें, कुछ नहीं लिखना है आपको। लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर। एक और बुक बनती है जो जर्नल के बाद में बनती है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पेज नंबर इसमें लिख दिया जाता है कि ये एंट्री कहीं और भी गई है क्या, उस एंट्री का वहां का पेज नंबर यहां लिख दिया जाता है, जिसको बोलते हैं लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियो अभी हमें तो बनाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, जर्नल, इसलिए ये कॉलम हमारे लिए काम का नहीं है, इसको हमेशा हम खाली छोड़ देंगे, इसलिए मैंने इसको कम साइज का बनाया, एकदम छोटा सा कॉलम बनाया है। आप लोग भी इसको छोटा सा एकदम बनाएंगे, क्योंकि इसमें जगह नहीं चाहिए अपने को, कुछ एंट्री लिखना नहीं है, कुछ पेज नंबर लिखना नहीं है। ये बाकी कॉलम, ये डेबिट अमाउंट हो गया, क्रेडिट अमाउंट हो गया, एक अमाउंट डेबिट में आएगा तो दूसरा क्रेडिट में आएगा, दोनों हमेशा इक्वल चलेंगे। तो ये क्लियर हुआ आपको बेटा फॉर्मेट। उसके बाद में एंट्री के नीचे यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, हमने राम को हमने कैश दिया कि नहीं दिया, राम को हमने कैश दिया, राम रिसीवर है और कैश जा रहा है, तो लिखेंगे कैश रुपीज 5000 पेड टू राम, ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन, इट इज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। क्या है बेटा ये एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सर क्या ऐसा हर एंट्री के बाद लिखना जरूरी है? हाँ बेटा, अभी आप लोग इग्नोर कर सकते हो, अभी आपको डेबिट क्रेडिट रूल समझते हैं, एक्सप्लेनेशन लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन सारे सेम टाइप के होते हैं। जब आप 10 ट्रांजेक्शन के एक्सप्लेनेशन लिख लोगे तो आपको उसके बाद में कुछ नया नहीं सीखना है, इसलिए अभी आपको फोकस करना है डेबिट क्रेडिट के ऊपर, एक्सप्लेनेशन कोई जरूरत नहीं है। और सर इस एक्सप्लेनेशन को क्या बोला जाता है? तो बेटा इस एक्सप्लेनेशन को हम बोलते हैं नरेशन, नरेशन यानी कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द एंट्री। एंट्री क्या है उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नरेशन, क्लियर हुआ? तो ये था बेटा जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल के फॉर्मेट में 5 कॉलम होंगे, डेट में आपको पता है किस दिन ट्रांजेक्शन हुआ वो डेट लगानी है, पर्टिकुलर्स में आपको ट्रांजेक्शन क्या है उसको इस तरीके से लिखना है, यानी कि सारा काम पर्टिकुलर्स के अंदर करना है आपको, डेबिट को कैसे लिखना है, क्रेडिट को कैसे लिखना है, ये लिखने का तरीका होगा। इसको रीड कैसे करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर अमाउंट बोलेंगे 5000 5000,
ये इसको रीड करने का पूरा तरीका है। एलएफ का कॉलम मैंने आपको बताया, पेज नंबर इसमें लिखा जाता है, जो अभी हमारे लिए काम का नहीं है, जब टाइम आएगा तो मैं अपने आप समझा दूंगा। उसके बाद में अमाउंट डेबिट का क्रेडिट का अलग अलग लिखेंगे और ये चलता रहेगा सर। अब सेकेंड एंट्री, बेटा सेकेंड एंट्री यहां पर फिर से डेट लगेगी, यहां लग जाएगा अप्रैल 25, और फिर ये वही डेबिट करो, फिर क्रेडिट करो 2 लगा करके, फिर नरेशन लिखो, फिर अमाउंट यहां यहां आएगा और ये चलता रहेगा। ऐसे ऐसे इसकी एंट्री चलती रहेगी। और सर ये बेटा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहता है। एंट्री इसी फॉर्मेट के अंदर, जर्नल के अंदर लिखी जाती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि डेबिट क्रेडिट किसको कैसे करना है। अभी आप जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शन लिखने के लिए एकदम तैयार हो, लेकिन आपको अभी फॉर्मेट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अपने को कंसेप्ट पे फोकस करना है, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। फिर ये जब स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर हम फॉर्मेट के अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी आपको खाली बताया, हम लोग इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में, आपको अभी लिबर्टी रहेगा, थोड़ा सा आराम से अपनी हिसाब से काम करिए, बट कंसेप्ट जो है डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, उस पर फुल फोकस करना है। तो जर्नल का फॉर्मेट अभी क्लियर है। अभी चलिए जर्नल, यही जर्नल लैंग्वेज है अकाउंटिंग की, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। अब इसके अंदर कैसे एंट्रीज लिखनी है धड़ाधड़ से, क्या डेबिट क्रेडिट करना है और क्या और नए नए ट्रांजेक्शन आने वाले हैं, वो अभी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले डेबिट क्रेडिट के रूल्स आपको मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं फटाफट से, एकदम अलग स्टाइल में देखना फटाफट से। अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं ब्रॉडली सर? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है बेटा, इनके सब टाइप्स में नहीं जाना अभी, अभी पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब अपने को काम तो बस इतना ही करना है कि डेबिट करेंगे या फिर क्रेडिट करेंगे, और कुछ नहीं करना सर, बस सर इतना ही काम है। हाँ बेटा हाँ, इतना ही काम है, सिर्फ डेबिट करो क्रेडिट करो बस। ये अगर समझ आ गई कहानी तो समझ लो हो गया बस सर, इतना आसान है। हाँ बेटा हाँ, इतना आसान है, सिर्फ डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, बस देखते जाओ। तो पर्सनल के अंदर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर वो शायरी सुना देते सर, बेटा शायरी सुन के क्या करोगे सर, एक बार सुना देते। हाँ बेटा सुनो सुनो, तुम सुनो। तेरी दोस्ती में मुझको हो गया फीवर, क्या तेरी दोस्ती में मुझको हो गया फीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो अब खुश। हाँ सर हाँ, चलो बेटा आगे चलो। रियल के अंदर डेबिट, रियल यानी वस्तुएं, रियल यानी प्रॉपर्टीज, बिल्डिंग और हो गया हमारा। तो सर प्रॉपर्टीज में क्या रूल चलेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा रूल है, अगर कोई वस्तु आ रही है, कोई भी रियल एसेट आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। नॉमिनल में क्या रूल चलेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, बस ये हो गया। यही 3 रूल के ऊपर पूरा अकाउंटिंग टिका हुआ है। ये 3 रूल का अगर आपको एप्लीकेबिलिटी समझ आ गया तो समझो आधी अकाउंटिंग तो हो गई। और इनको कहां लिखते हैं हम, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। उनको सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, जिसमें डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शंस लिखे जाते हैं। ये बस, ये बेटा इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी आप ट्रांजेक्शन करने के लिए तैयार हो? हाँ सर हम एकदम तैयार है। ठीक है बेटा, फिर तो हो जाए एक ट्रांजेक्शन। चलो बेटा सबसे बेसिक ट्रांजेक्शन ये है हमारा, बिजनेसमैन कौन, चिंटू, मिस्टर चिंटू। तो चिंटू इन्वेस्टेड रुपीज 2 लाख इनटू द बिजनेस। तो
ये है मिस्टर चिंटू, और चिंटू ने क्या किया, बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। आपको इसका जर्नल एंट्री बनाना है, आपको इसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले तो क्या, एक तो सर ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहा है कैश का, एक इफेक्ट हो रहा है चिंटू का, क्योंकि पैसे अगर बिजनेस में आ रहे हैं, सोचना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि चिंटू के पॉइंट ऑफ व्यू से। चिंटू ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, बिजनेस का नाम है चिंटू स्वीट्स, तो चिंटू स्वीट्स के लिए अकाउंटिंग करनी है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा हमने बिजनेस एंटिटी के प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो चिंटू जो है वो क्या है, यहाँ पे सर प्रोप्राइटर है, ओनर है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो पहली चीज तो सर, ओनर का नाम कभी भी बिजनेस के अंदर एंट्रीज में नहीं लिखा जाता है। हाँ बच्चे, ये भी बात है, तो फिर क्या लिखेंगे? तो सर ओनर की जगह कुछ और लिखा जाता है, कुछ और लिखा जाता है। बताओ ना बेटा, बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखते हैं। हाँ कुछ लिखते तो है, तुम बताओ बेटा, तुम, मैं भूल गया। हाँ बताओ बेटा, बताओ। हाँ सर, कैपिटल लिखा जाता है। हाँ बेटा, हाँ मुझे याद है, मैंने ही तो बताया था तुम्हारे को, लेकिन मैं भूल जाता हूं कई बार। चलो, तो यानी कि चिंटू नहीं लिखेंगे, ओनर का जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। जब भी पैसे लगाता है तो लिखते हैं कैपिटल, पैसे निकालता है तो लिखते हैं ड्रॉइंग्स। तो ये एक अकाउंट इफेक्ट होगा ओनर का, जिसको हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा अकाउंट कैश का। अब मुझे ये बताओ, कैश है वो क्या है? सर रियल है, रियल। और कैपिटल है वो क्या है? सर ये पर्सनल है, पर्सनल के लिए पी लिख देता हूं मैं खाली। सर रियल के अंदर दो चीजें हो सकती है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। बिजनेस के लिए चिंटू स्वीट्स के अंदर पैसे आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसे आ रहा है, आ रहा है तो बेटा क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन रूल लगेगा और डेबिट करेंगे। रूल मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को रूल लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। सर बाद में फेयर, बेटा फेयर और मैं ये सब कुछ नहीं लिखना है, अभी जो जर्नल एंट्री बताया ना, बस सीधा वही लिखना है। अभी ये प्रैक्टिस के लिए, अभी आपको लैंग्वेज की प्रैक्टिस के लिए ये सब करना है, बाद में नहीं करना, बाद में ये सब नहीं करना। बाद में क्या करना है वो अभी बताया था और फिर बताऊंगा मैं अभी। कैपिटल में पर्सनल, ओनर ने पैसे दिए हैं अपने को, हाँ सर दिए हैं, तो फिर ये रिसीवर है कि गिवर है? सर चिंटू तो गिवर है, तो गिवर को करो क्रेडिट। कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट है, उसको करो क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैसे लिखेंगे इसको, कैश अकाउंट डेबिट अमाउंट लिखेंगे 2 लाख और यहां पे लिखेंगे 2 कैपिटल। सर ये फॉर्मेट, बेटा बस यही फॉर्मेट है, मैंने ये फॉर्मेट के अंदर ही लिखा है, डेट था नहीं इसलिए मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया। सर लाइन नहीं बनाई, लाइनों में क्या पढ़ा बेटा, ये फॉर्मेट हो गया। तो आप भी बिना लाइन बनाए एक बार लिख सकते हैं। सर नरेशन, नरेशन बेटा एक बार इग्नोर करो, नरेशन बाद में हो जाएगा, अभी ये फोकस करो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ये देखो मैंने क्या लिखा, डेबिट को यहां लिखा मार्जिन के पास से सबसे पहले, फिर क्रेडिट को स्पेस छोड़ करके मैंने लिखा 2 कैपिटल अकाउंट। ये आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो गई जर्नल के अंदर। इसको रीड कैसे करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट। तो ये था जर्नल, ऐसे लिखा जाता है जर्नल के अंदर ट्रांजेक्शंस को, ये रूल्स हैं अपने पास में। चलिए कुछ और ट्रांजेक्शंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम प्रैक्टिस करें, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं फटाफट से कि बेटा ट्रांजेक्शन मोस्टली हमारे किस में होते हैं? सर गुड्स में होते हैं, गुड्स में। और गुड्स में जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो हम लोग गुड्स की जगह पे, तो हम लोग गुड्स की जगह पे कुछ और वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ सर हाँ, तो बेटा वो वर्ड्स बताओ मुझे फटाफट से, वो वर्ड्स क्या है जो हम गुड्स की जगह यूज करेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे मेन जो वस्तु है वो क्या है, गुड्स। मान लो मैं अगर फर्नीचर का डीलर हूं तो मेरे लिए फर्नीचर सबसे ज्यादा मेन है। मैं अगर स्टेशनरी का डीलर हूं तो मेरे स्टेशनरी में ही सबसे ज्यादा डीलिंग होगी, उसी में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे। तो मैं उस गुड्स के अंदर ट्रांजेक्शन जब होगा तो मैं उसे क्या लिखूंगा, गुड्स की डेफिनेशन लास्ट क्लास में मैं आपको समझा चुका हूं। तो सर गुड्स की जगह हम लोग लिखते हैं, जब सामान खरीदेंगे तो गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, बेचा खरीदा हुआ रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न।
बेचा हुआ वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न, और लास्ट में अगर बचा हुआ रह गया तो स्टॉक अकाउंट। ये पांचों फटाफट से क्लियर कर लीजिए। गुड्स में सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होने वाले हैं और अभी गुड्स के ट्रांजेक्शन में आपको समझाने वाला हूं, इसीलिए गुड्स में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो उसको क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, इन पांच नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चे आपको आइडेंटिफाई हो पाएगा कि सर ये परचेज है कि सेल्स है? हाँ सर, हाँ आराम से होगा। ठीक है बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी ट्रांजेक्शन फटाफट से आपको देता हूं मैं। पहला ट्रांजेक्शन गुड्स से रिलेटेड, फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए, ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपीज 10,000 ऑन क्रेडिट। रवि से उधार पे 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? चलो एंट्री बनाते हैं बेटा फटाफट से। एंट्री सर सीधा एंट्री बेटा सीधा अभी नहीं हो पाएगा आप लोगों से, पहले इसको डेबिट क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है वो समझेंगे, फिर एंट्री लिखेंगे। तो रवि से 10,000 का सामान खरीदा है, सर किसने खरीदा है? हमने खरीदा है, हमारे लिए परचेज है। तो हमारे को रवि की तरफ से नहीं सोचना है, रवि के लिए तो ये सेल्स है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर एक अकाउंट तो हो गया, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? गुड्स है वो रियल है, या फिर आप गुड्स की जगह परचेज पढ़ सकते हो। गुड्स अभी क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, और गुड्स की जगह क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे यहां पे। तो मैं गुड्स की जगह वर्ड लिख देता हूं परचेज। परचेज वैसे हमारा खर्चा भी होता है, आप परचेज खर्चे की तरह भी सोच सकते हो और गुड्स की तरह भी इसको ट्रीट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम गुड्स के हिसाब से देख लेते हैं इसको, गुड्स की जगह पे परचेज लिखना है। तो एक तो अकाउंट हो गया परचेज, दूसरा अकाउंट हो गया क्या कैश जा रहा है? नहीं सर, उधार पे खरीदा है, उधार पे। तो इसका मतलब पैसे तो अभी हमने उसको दिए नहीं है, तो पैसे जा नहीं रहे हैं, सिर्फ सामान आ रहा है। तो एक तरफ गुड्स आ रहा है और दूसरा अकाउंट क्या इफेक्ट होगा, क्या रवि का बैलेंस हमारी बुक्स में इंक्रीज या डिक्रीज होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सर रवि हमें उधार पैसे दे रहा है, उधार सामान दे रहा है, तो रवि हमसे पैसे मांगने लग गया, तो रवि का बैलेंस पे हमारी बुक्स में कुछ इफेक्ट आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा, तो रवि के बैलेंस में इफेक्ट आएगा। तो रवि एक पार्टी हो गया, उसका अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। गुड्स को मैं लिख रहा हूं रियल है, रवि हमारा पर्सनल है। अब मुझे बताओ यहां पे रियल के अंदर गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर खरीदेंगे तो सर सामान आएगा, आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मैंने डेबिट कर दिया। और गुड्स का नाम नहीं लिखता मैं बुक्स के अंदर, गुड्स की जगह पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट। उसके बाद में सर रवि है पर्सनल है, पर्सनल है तो रिसीवर है कि गिवर है? सर हमने तो उसको कुछ नहीं दिया लेकिन वो हमें सामान दे रहा है, तो रवि इज द गिवर, तो रूल लग जाएगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट कर देंगे सर इसको। ठीक है बेटा, ये ट्रांजेक्शन हुआ, तो ये आपको क्लियर हुआ। तो इसको सर जर्नल में कैसे लिखना है, अभी बताया था ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, परचेज अकाउंट डेबिट फिर स्पेस लगा के टू रवि, अमाउंट डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक है चलो, प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फटाफट से फोकस करो अंडरस्टैंडिंग में। गुड्स रुपीज 15,000 सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट। हरी को 15,000 रुपए का सामान क्रेडिट में बेचा, तो बेटा फटाफट से सोचो सामान जा रहा है, एक तो सामान जा रहा है तो गुड्स, दूसरा किसका अकाउंट इफेक्ट होएगा, क्या कैश दे रहा है? नहीं सर नहीं, उधार पे ट्रांजेक्शन है, वो ऑन क्रेडिट है, तो फिर दूसरा अकाउंट इफेक्ट क्या हो जाएगा? हरी का, सर हरी से हम पैसे मांगने लग जाएंगे, हाँ बेचा हाँ। तो गुड्स की जगह पे क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेल्स अकाउंट, जब भी सामान बेचेंगे तो क्या लिखेंगे? सेल्स, गुड्स नहीं लिखेंगे, गुड्स की जगह लिखेंगे या तो परचेज या सेल्स, तो अभी हम लिखेंगे सेल्स, और हरी जो है हरी की जगह हरी लिखेंगे। अब गुड्स है वो अपना रियल, ये है अपना पर्सनल। अब रियल के अंदर देखो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सामान आ रहा है कि जा रहा है? सर बेचा है तो सामान जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट करो। और सर हरी है वो पर्सनल है, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर,
रिसीवर है या गिवर है? सर हरि को सामान हम दे रहे हैं तो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री बन जाएगी हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे इसको। क्लियर हुआ बेटा? चलो एक और ट्रांजेक्शन आपको मैं करवाता हूं, रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 2000 टू रवि, रवि को रिटर्न कर दिया, ना खरीदा ना बेचा, रवि को हमने रिटर्न कर दिया। अभी हमने रवि से खरीदा था 10,000 का सामान, और बेटा ये देखो मैं मार्कर खरीद के लाया था, ये रवि से मैंने क्या खरीदा, ये मैंने मार्कर खरीदा, और मैंने क्या खरीदा, मैंने बेटा उससे इंक भी खरीदा, ये देखो ये इंक, और मैं जब इस इंक को पैकिंग खोला तो ये देखो ये क्या, ये इंक तो बेटा लीक हो रखा है, इंक की बोतल दिख रही है आपको बेटा, ये लीक हो रखी है, तो क्या मैं ये इंक की बोतल रखूं? नहीं सर नहीं, रवि को वापस उसके दुकान पे वापस दे दो। तो बेटा वही, तो अगर मैं उसको वापस देता हूं, सर ये क्या 2000 की बोतल, बेटा पूरा कार्टून ही लीक हो रखा है, सारी इंक खराब निकल गई, तो सर सारी वापस कर दो। ठीक है बेटा, तो मैंने मार्कर तो रख लिए और इंक की जो बोतल है वो मैंने कार्टून वापस उसको दे दिया, मैंने कहा ये 2000 रुपए का सामान रवि वापस रख, तूने अच्छा नहीं दिया। तो उसने कहा ठीक है चलो रख दीजिए। तो एक तो अकाउंट हो गया रवि का, दूसरा अकाउंट हो गया गुड्स का, गुड्स जा रहा है मेरी तरफ से, तो बेटा गुड्स जा रहा है तो क्या लिखूंगा, परचेज किया मैंने, नहीं सर नहीं, सेल्स किया है, नहीं, रवि को बेचा है क्या, नहीं बेचा सर, जितने में आया था सामान उसी रेट पे उसको वापस दे दिया, उसी बिल के अंदर वो कम कर देगा, लेस कर देगा, रवि अपना बैलेंस कम कर लेगा, इसीलिए तो रवि को हमने एक इफेक्ट दिया है। और दूसरा अकाउंट है सर कौन सा, परचेज रिटर्न, तो गुड्स की जगह पे लिखेंगे परचेज रिटर्न। अब ये देखो बेटा क्या क्या इफेक्ट आएगा, रवि है वो पर्सनल है, गुड्स को रियल मान लो, तो पर्सनल के अंदर अब बताना रवि को हमने सामान रिटर्न किया, ये मान लो इंक की बोतल थी ये मैंने उठाई और रवि को दे दी, तो रवि को सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो हाँ सर हाँ, तो बेटा रवि हो गया रिसीवर, तो रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर। उसके बाद बताओ बेटा सामान के साथ क्या हो रहा है, गुड्स के साथ क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, इंक की बोतल का कार्टून आपको क्या दिख रहा है, बिजनेस के हिसाब से सोचना, आप बिजनेस के अंदर बैठे हुए हो, आपको कार्टून अंदर आता हुआ दिख रहा है कि बाहर जाता हुआ दिख रहा है, सर कार्टून बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गोइंग, तो लिखेंगे क्रेडिट, तो एंट्री बन जाएगी रवीज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्या वर्ड लिखेंगे, परचेज रिटर्न। इसीलिए मैंने कहा बेटा गुड्स में कभी भी ट्रांजेक्शन होगा, कभी भी गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट क्रेडिट, गुड्स डेबिट, गुड्स क्रेडिट, ये सब नहीं बोलना है, गुड्स अकाउंट बोलते ही गलत, गुड्स नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, ये माइंड में लिख लो, लिखो बेटा आप लोग लिखो ये गुड्स अकाउंट, कॉपी पे आप लोग इसको लिखो 10 बार लिखो और हर बार उसको कट करो, गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट उसको कट करो, बार बार कट करो, यानी कि आप गुड्स अकाउंट लिखने से पहले 10 बार सोचोगे कि गुड्स अकाउंट कुछ होता ही नहीं है, लिखूंगा तो फिर काटना पड़ेगा, जब आप इसको 10 बार काट के प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद में गुड्स कभी नहीं लिखोगे, तो गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ये 5 नाम लिख सकते हैं, ये 5 नाम अपनी यूटिलिटी है, जिस टाइम पे आना है उसी टाइम लिखना है, ऐसा नहीं कि सर कभी भी लिख दो, जब परचेज किया है तो परचेज ही लिखना है, और जब सामान वापस दे रहे हैं तो परचेज रिटर्न ही लिखना है, क्लियर है, और जब बेचा है तो सेल्स ही लिखना है। तो ये है गुड्स के ट्रांजेक्शंस, क्लियर हुए आपको? तो बेटा देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज का जो हमने काम किया वो सारा रिकैप हो जाएगा। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, जर्नलाइज का मतलब होता है जर्नल के अंदर एंट्रीज इनकी रिकॉर्डिंग करनी है, इसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। तो लिखा हुआ है मिस्टर रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 20,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 2,50,000, तो रमेश ने 20,000 कैश और 2,50,000 की बिल्डिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मिस्टर रमेश कौन है, सर मिस्टर रमेश तो बिजनेस के ओनर हो गए, ठीक है बेटा मिस्टर रमेश है वो ओनर है, और ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया और क्या लगाया, कैपिटल लगाई, तो मालिक जो भी बिजनेस के लिए
लगाता है पैसे या कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं? सर कैपिटल बोलते हैं उसको, पैसे या बिल्डिंग जो भी लगाए। तो सर कैश और बिल्डिंग दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं? कैश और बिल्डिंग। कैश भी रियल है, बिल्डिंग भी रियल है। अच्छा, ये दोनों चीजें तो मालिक अपने को दे रहा है, तो अगर बेटा मालिक दे रहा है तो एक मालिक का अकाउंट इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो मालिक के अकाउंट को क्या लिखूंगा? कैपिटल। कैपिटल अपना पर्सनल। कैश भी बिजनेस में आ रहा है, बिल्डिंग भी बिजनेस में आ रही है, दोनों चीजें बिजनेस में आ रही है। तो बिजनेस में अगर दो वस्तुएं आ रही है तो कोई ना कोई गिवर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो बेटा गिवर कौन है? मालिक खुद है। तो मालिक के लिए मालिक का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब रियल के अंदर आ रही है कि जा रही है? सर आ रही है, कैश भी आ रहा है, बिलिंग भी आ रही है, और गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो सर ये क्या एक साथ दो अकाउंट डेबिट हो सकते हैं? हो सकते हैं बेटा, चाहे जितने अकाउंट डेबिट हो सकते हैं। अभी धीरे धीरे आप चलिए तो सही मेरे साथ, सब बताएंगे। अभी तो मैंने आपको एकदम सिंपल एंट्री बताई है, धीरे धीरे ये सारी, अगर पहली एंट्री में मैं पांच अकाउंट दे दूं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बताएंगे बेटा। धीरे धीरे कैसे लिखते हैं वो देखो बेटा। यहाँ पे सर डेट के कॉलम में जर्नल के अंदर लिख रहे हैं जर्नल ऑफ मिस्टर रमेश। जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना रखा है और जर्नल के फॉर्मेट में डेट का कॉलम, डेट तो सर दी भी नहीं है, जब डेट दी भी नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग लगा देंगे, ट्रांजेक्शन का नंबर लिख दिया। फिर सर कैश को करना है डेबिट और बिल्डिंग को भी करना है डेबिट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जिन जिनको डेबिट करना है वो सबसे पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट सामने लिखो डेबिट डेबिट, और जिसको क्रेडिट करना है स्पेस लगा के टू कैपिटल अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं एक ट्रांजेक्शन में तो आराम से रिकॉर्ड करेंगे। कैश के सामने कैश का अमाउंट 20,000, बिल्डिंग का अमाउंट 2,50,000, और बच्चा कैपिटल कितनी हो गई? कुछ भी मालिक बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी हो गई सर? 2,70,000 दोनों मालिक ने दिया है, तो मालिक की कैपिटल हो गई 2,70,000। ये नरेशन में इग्नोर कर रहा हूं, ये एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। एलएफ के कॉलम में कुछ लिखना नहीं है, पूरा खाली रहेगा लेजर फोलियो, पेज नंबर बाद में सिखाएंगे कैसे लिखते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन बच्चा क्लियर हुआ आपको? तो ये हो गया कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद देखो बेटा दूसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ₹3,000 फॉर कैश। राजेश से कैश में ₹3,000 का सामान खरीदा। अब मुझे बताना बेटा राजेश का कुछ हमारे बुक्स में अकाउंट इफेक्ट होगा या नहीं होगा? क्योंकि एक तरफ राजेश हमें सामान दे रहा है, हम उसको कैश दे रहे हैं, तो सामान आ रहा है कैश जा रहा है, गुड्स है वो आ रहे हैं और कैश जा रहा है। तो क्रेडिट करो गुड्स को, डेबिट करो, डेबिट किसको करो? डेबिट द परचेज, क्योंकि गुड्स तो लिखते नहीं है, गुड्स की जगह और नाम लिखता है, और गुड्स की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे? परचेज, और कैश क्रेडिट करो। तो अब मुझे बताना राजेश का कोई इफेक्ट हुआ क्या? नहीं सर नहीं। राजेश का इफेक्ट तो तब होता जब हम सामान लेके आते हैं राजेश से, उधार पे लेके आते, तो राजेश का बैलेंस बढ़ जाता कि नहीं, उधारी बढ़ जाती कि नहीं? हाँ सर बढ़ जाती। अभी बताना राजेश की उधारी बढ़ी क्या? नहीं, हमने इधर कैश की इधर सामान लिया उधर पैसे दे दिए, यानी कि हिसाब बराबर। तो हमारा कैश में इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? सर हो रहा है। गुड्स में इफेक्ट हो रहा है कि नहीं? गुड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? परचेज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। तो बेटा एक अकाउंट इफेक्ट हो गया परचेज, दूसरा हो गया कैश, राजेश का कोई इफेक्ट नहीं। तो ध्यान से सुनिए, जब ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो पार्टीज के अकाउंट इफेक्ट नहीं होते हैं, और जब ट्रांजेक्शन उधार पे होता है तो बैलेंस अप एंड डाउन होता है, इसीलिए पार्टी का नाम आता है। तो कैश के ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम नहीं लिखा जाता है। रिकॉर्ड कर दीजिए इस ट्रांजेक्शन को, सेकेंड नंबर लगाएंगे ट्रांजेक्शन, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कौन है? कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट, अमाउंट यहां लिख दीजिए 3,000। ये ट्रांजेक्शन हो गया सेकेंड। नरेशन की कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, बट उसकी प्रैक्टिस बाद में आराम से एक साथ करेंगे, अभी फोकस करो डेबिट और क्रेडिट पे। सर थोड़ा फास्ट चल रहे हो आप बेटा। बेटा फास्ट में इसीलिए चल रहा हूं कि जैसे ये ट्रांजेक्शन जो था अभी परचेज का, जस्ट हमने ट्रांजेक्शन किया है, जब ट्रांजेक्शन रिपीटेटिव नेचर के आएंगे तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए बेटा परचेज, फिर से परचेज का ट्रांजेक्शन है, गुड्स फ्रॉम कुणाल फॉर क्रेडिट। अभी देखना ये क्या कुणाल से उधार में खरीदा है सामान, तो बताना पैसे जाएंगे क्या? सर नहीं जाएंगे।
तो कुणाल का बैलेंस उधारी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। तो फिर यहां पे क्या अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश की जगह थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट हो जाएगा? कुणाल परचेज तो है ही है, कुणाल गिवर क्या हो गया? कुणाल। वहां पे राजेश गिवर नहीं था, राजेश को हाथों हाथ कैश दे दिया, तो राजेश का कोई नाम नहीं आया, लेकिन यहाँ पे कुणाल ने उधार दिया है तो कैश की जगह क्या जाएगा? कुणाल। बाकी ट्रांजेक्शन सेम है, तो बेटा ये लिखो फटाफट से, परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल, कुणाल अकाउंट अमाउंट है 2000। ये हो गया ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखो बेटा, लिखा है सोल्ड गुड्स टू विमल फॉर कैश, कैश। अब मुझे बताना, जब आपने कैश के अंदर बेच दिया विमल को सामान, तो विमल का अकाउंट इफेक्ट होगा या नहीं होगा? सर फिर विमल का अकाउंट क्यों इफेक्ट होगा? हमने उससे पैसे लिए और उसको सामान दिया, तो इस हाथ पैसे ले रहे हैं, उस हाथ सामान दे रहे हैं, तो हिसाब बराबर। विमल से कोई लेना देना नहीं, विमल से ना तो पैसे हम मांगते हैं ना विमल हमारे से पैसे मांगता है, हिसाब बराबर है। तो विमल का अकाउंट ओपन ही नहीं करेंगे हम लोग। तो एक तो हो गया गुड्स, जो गुड्स की जगह क्या लिखेंगे सर? सेल्स लिखेंगे। और दूसरा हो गया कैश, सामान आ रहा है, सामान जा रहा है और कैश आ रहा है, तो कैश भी रियल है, गुड्स भी रियल है। गुड्स जा रहा है कि आ रहा है सर? जा रहा है, तो क्रेडिट। कैश आ रहा है कि जा रहा है सर? आ रहा है, तो डेबिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ बच्चों की बड़ी इच्छा हो रही है सर हम बोले डेबिट, हम बोलेंगे सर क्रेडिट, हम बताएंगे। बेटा आपसे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैं पूछूंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा, बट अभी बेटा आपसे सारे ट्रांजेक्शन अगर पूछूंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा, है ना? तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास, इसलिए मैं ट्रांजेक्शन आप लोगों से अभी नहीं पूछ रहा हूं। मैं थोड़ा फटाफट से, आप खाली अपने माइंड में सोचा करो, आप जैसे जो सोचते हो ना वो मैं फटाक से पढ़ लेता हूं। यहाँ पे एक आंख और लगी है बेटा, यहाँ पे वो आंख देख लेती है कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या बोल रहा है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपने अभी सोच लिया था कि हाँ सर ये क्रेडिट होना है, ये डेबिट होना है, मैंने वही लिखा है बेटा, वही जो आप सोच रहे हो वही मैं लिखा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर टाइप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आंसर सोचिए जरूर। पेड कैरिज रुपीज 500, सर ये कैरिज क्या होता है? तो बेटा मैं स्टेशनरी का काम करता हूं और मैंने मार्कर वगैरह खरीद लिए बहुत सारे, तो अब वो कार्टून्स जो है वो बताओ क्या मैं खुद उठा करके लाऊं अच्छा लगेगा? मैं वो कार्टून खुद उठा करके अपनी दुकान पे लाऊंगा? नहीं सर नहीं। तो फिर बेटा क्या कुछ ऑटो करना पड़ेगा, कुछ गाड़ी भाड़ा वगैरह लगेगा? ट्रक वाले को बोलूंगा मैं? हाँ सर हाँ बोलिए। तो बेटा उसी को ट्रक वाले को गाड़ी वाले को जो हम बोलेंगे, तो वो जो हमसे किराया लेगा जो भाड़ा लेगा उसी को कैरेज बोलते हैं, गाड़ी भाड़े को कैरेज बोलते हैं। तो कैरेज का खर्चा लगा 500 रुपए का, तो एक तो अकाउंट हो गया कैरेज, खर्चे का अकाउंट है, और उसको चुकाने के लिए क्या देना पड़ेगा? कैश। खर्चे सारे हमेशा कैसे चुकाए जाते हैं? कैश में। तो सर कैरेज तो नॉमिनल है, कैश रियल है। नॉमिनल में सर एक्सपेंस है इसलिए इसको डेबिट कर दो, कैश रियल के अंदर गोइंग जा रहा है तो इसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन गई कैरेज को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है। तो एंट्री कर दो फटाफट से, लिखो कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 500। ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद में यहां जनरल की टोटलिंग कर दी जाती है लास्ट में, वो कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट क्रेडिट टोटलिंग इसलिए की जाती है ताकि मैच हो जाए डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है या नहीं है, क्योंकि जर्नल के अंदर आप चाहे 100 ट्रांजेक्शन लिख लो उसका डेबिट क्रेडिट की टोटल हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, बच्चा एकदम बराबर रहेगी, कभी चेंज मिसमैच नहीं हो सकती है। हाँ हो सकती है अगर आप गलती करोगे तो, अगर आपने कहीं लिखने में गलती की है तो मिसमैच हो सकती है, अदरवाइज हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। तो इसलिए टोटलिंग करके देखने की जरूरत नहीं है, करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये आज के ट्रांजेक्शन आपको समझ आए। आज हमने ये देखा कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या है, जर्नल है, उसको समझना क्यों जरूरी है, आगे क्या फायदा होने वाला है। फिर मैंने आपको जर्नल क्या होती है, जर्नल के फीचर्स क्या है, उसके बारे में पूरा आपको समझाया, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। फिर हमने कुछ की टर्मिनोलॉजी समझी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज क्या एंट्रीज क्यों की जाती है, प्राइमरी बुक है ये,
और जर्नलाइजिंग क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है, फिर हमने जर्नल का फॉर्मेट देखा, उसके बाद में हमने पर गुड्स से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें कैसे कैसे एंट्रीज की जाती है वो हमने समझा अभी, और उसके बाद में एक मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया पूरा फॉर्मेट के अंदर, ताकि आपको फॉर्मेट अच्छे से माइंड में समझ आ जाए, सेट हो जाए। तो फॉर्मेट वाइज भी हमने एक एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया, ये पूरा प्रॉपर फॉर्मेट वाइज क्वेश्चन कैसे करते हैं वो आपको बताया। तो बेटा अभी और भी बहुत कुछ काम करना हमें बाकी है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करना बाकी है। हाँ सर हम करेंगे। हाँ बेटा आपने मेरे को कसम दी है तो आप उसको प्रॉमिस को पूरा पक्का फुलफिल करेंगे, तो 7 दिन तक कम से कम फुल ट्रांजेक्शन हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर के जर्नल हमारे को अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे ट्रांजेक्शन और हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। और अभी ये मत समझना कि ये ट्रांजेक्शन सर इतने ही है क्या, बेटा बहुत वैरायटी है, बहुत तरह के ट्रांजेक्शन तो अभी बाकी ही पड़े हैं, ये तो समझो कि अभी शुरुआत हुई है। तो अगर शुरुआत से आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया ना कि हाँ सर ये डेबिट क्रेडिट हमें समझ आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे ये स्ट्रोंग होता जाएगा, और उसके बाद में एक दिन ये होने वाला है कि मैं ट्रांजेक्शन बोलूंगा और उधर आप ये सोचोगे नहीं, सीधा आप फेयर के अंदर एंट्री बना दोगे। मैं बोलूंगा कि बेटा सैलरी पेड, और आप उधर से बोलोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे एंट्री आएगी। मैं इधर बोलू नहीं, उससे पहले आपका एंट्री बन चुकी होगी। तो ऐसी महारत अपने को चाहिए, ऐसा जब हो जाएगा तब अपने समझेंगे कि वाकई में हम सक्सेस हुए हैं, वाकई में हमें अकाउंटिंग की लैंग्वेज है उसके अंदर फ्लुएंसी हो चुकी है। तो बेटा आने वाली क्लासेस के अंदर अगर आप मुझे प्रॉमिस करते हैं तो मैं भी आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि ऐसी फ्लुएंसी हम पक्का पक्का बनाने वाले हैं। चलिए ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।